अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज माशाल्लाह बहुत खुश हैं जी, आज हम खुश हैं। पहले जानवर खुश होते हैं, आज हम खुश हैं क्योंकि DPS में एक नई एंट्री हुई है। एक बड़ा स्पेशल किस्म के जानवर लेके आए हैं आज, वो आपको दिखाते भी हैं उनका। और उसके अलावा कुदूस भाई आज एक गिफ्ट लेके आए हैं, पौधा एक वो लगाना है इंशाल्लाह ताला जामन का इधर। और दूसरा जानवर एक नया आए हैं वो आपको दिखाते हैं, वो आए जी वाइट पेपर वाइट हीरा ब्रीड है। वो बड़ा अच्छा जानवर है, बड़ी अच्छी नस्ल है। 3 जानवर लाए हैं वो, तो आपको मैं दिखाता हूँ, जरा चेक कीजिएगा दोस्तों। ये है जी वाइट हीरा ब्रीड, बड़ा प्यारा जानवर है माशाल्लाह। वाइट पेपर ब्रीड भी कहते हैं इसे। ये 3 जानवर हैं, एक मुर्गा है, 2 मुर्गियाँ हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारी हैं। ये इसकी नलियाँ चेक करें, खड़पेल नलियाँ, ये चेक करें, ये खड़पेल नलियाँ इसकी, बड़ी प्यारी नलियाँ। खतरनाक ब्रीड बनी हुई है तो माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त जानवर है ये। DPS है ना, पहले की ताज़ा एंट्री हुई है इनकी। अभी वो बाकी मुर्गों को तो बंद कर दिया है क्योंकि ये असल में ना ये मुर्गा ये भी बहुत जो है लड़ाका है, बाकियों को बंद करना पड़ा है सब मुर्गों को ना, क्योंकि ये लड़ रहे हैं, है भी नया इधर। ये जो है ना वो भी नहीं कि मतलब किसी को बख्शते, ना ही ख्याल करते हैं, लिहाज करते हैं, ये भी नहीं कर रहा। फिर इनको बंद करके जो है ना इनको बाहर निकाला है कि चलो कुछ खा पी लें। बस इन्होंने जो दाना खाना था वो खा लिया, अब बस इनका यही शुगल है, इन्होंने भागते रहना है किसी ना किसी के पीछे। आप देखिए कुलदीप भाई के साथ लग गए हैं। ये देखिए इनकी गेम चेक करें, यहाँ पे सब है ना, ये आ जाते हैं बातें सुनने के लिए कि क्या बात कर रहे हैं, हमें बताओ। इधर ही पास ही रह के इन्होंने खाना पीना है कुछ भी। ये जी कदूस भाई, आपको बताया पहले भी, कदूस भाई लाए हैं जामन का पौधा, वो लगाने लगे हैं इधर इस जगह पे, क्योंकि चाह रहे हैं कि आने वाले वक्त में एक तो जो है हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो इसका फ़ायदा ले, खुली ऑक्सीजन यूज करें घर की। बाकी जमीन नरम है और ये मिट्टी भी नहीं डाली गई है, बाद में डाली थी मिट्टी ना इधर, तो ये पौधे इधर लग जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का बड़ा मतलब फायदा होगा हमें। दूसरा छाँव के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। और फलदार पौधे लगा रहे हैं आप, तो खैर मैं आम का हो गया या ये जामुन का लगा रहे हैं फलदार पौधे, ताकि छाँव भी और साथ फल भी होना चाहिए। आजकल जामुन का सीज़न चल रहा है तो माशाल्लाह बड़े मज़े के जामुन खाने को मिल रहे हैं, मज़ा आता है। इसने सोचा कि ये जो है ना ये भी ज़रूरी है, ये भी होने चाहिए छाँव के साथ साथ, तो अभी ये लगा रहे हैं इंशाल्लाह, देखते हैं अल्लाह पाक करे ये चल रहे हैं। ये इसको साफ पानी मिला, ये देखें ये शरारती बच्चे हैं, ये होते हैं क्लास के शरारती बच्चे होते हैं एक दो, ये उनमें से हैं, ये 2 वो शरारती बच्चे हैं जिन्होंने हर उल्टा काम करना होता है, इन्होंने हर उल्टा काम करना होता है। बस बैठ गए पानी पियो, देखो इनके काम चेक करें, ये रौनक है इस लिहाज से कि ये जो है ना ये सबको इन्होंने ना अपनी तरफ किया हुआ हमारे, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं इनके हफ्ते। यहाँ भी इसको मक्खी है, चूंटी वगैरह कीड़े नजर आते हैं तो उसको खाने की कोशिश करते हैं, वैसे मक्खियाँ उड़ जाती हैं। दोस्तों शाम हो गई है, जानवरों को कर दिया गया बंद, पौधा लग गया अल्हम्दुलिल्लाह, पानी लगा दिया उसको। अब वो कहते हैं ना कि माली दा कम पानी लाना, पर मशका लावे
मालिक का कम फल फूल हमें ला रहे हैं। अब अल्लाह पाक की मर्जी, अल्लाह करे कि ये बन जाए पौधा। बाकी हमारी कोशिश थी वो कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आम का पौधा लगाया था, ये फिलहाल तो ठीक चल रहा है अभी तक। दूसरा लगाया था वो सूख गया, लेकिन ये अभी तक ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे कि ये चल जाए इंशाल्लाह, ये ठीक रहना, ठीक रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।